धार जिले के धामनोद में जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश ने करणी सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे करणी सेना में काफी आक्रोश है। जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश के द्वारा करणी सेना के विरुद्ध अनैतिक रूप से जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसके खिलाफ आज करणी सेना जिला धार ने प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह डोडिया और प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश अनुसार थाना धामनोद में जयेश के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन दिया है। इसमें प्रदेश संयुक्त मंत्री किशन लाल जांडिया के साथ अन्य करणी सेना मौजूद रही। धामनोद थाना प्रभारी के सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। जिलाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, इंदौर संभाग मीडिया प्रभारी आतिश बिछुए सहित सभी करणी सेना मौजूद रही। धामनोद से विशाल सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। सेना की तरफ से हम सब यहाँ धामनोद थाने में उपस्थित हुए हैं आवेदन के लिए। जो जय आदिवासी युवा संगठन जयश के द्वारा हमारे संगठन के विरुद्ध अनैतिक तरीके से शिकायत दर्ज कराने संगठन को संविधान के विरुद्ध एवं आतंकवादी संगठन घोषित करने तथा अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उपरोक्त विषय में हम निवेदन कर रहे हैं कि जय आदिवासी युवा संगठन जयेश के द्वारा हमारे संगठन करणी सेना जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल जी अम्मू, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह डोडिया है। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है। इसके नेतृत्व में संगठन मध्य प्रदेश तथा संपूर्ण भारत में कई प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहा है। हमारे संगठन में सर्व समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार के संगठन के समय वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान हमारे संगठन ने बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ सभी प्रकार से सेवाएं दी है। जैसा कि शिकायत में कहा गया है कि संगठन ने किस संगठन के खिलाफ आंदोलन किया और पुतला दहन भी किया। उक्त संदर्भ में कहना है कि इस प्रकार की गतिविधि हमारे संगठन में किसी भी व्यक्ति बल द्वारा नहीं की गई। अगर की है तो उक्त संगठन नाम दर्ज रिपोर्ट करा। उक्त संगठन में हमें संविधान विरोधी एवं आतंकवादी संगठन जिस आधार पर कहा है उसे प्रमाणित करें और यह भी प्रमाणित करें कि उसके विरुद्ध हमारे संगठन ने कोई कार्रवाई की है। महोदय, सामाजिक कार्यों को करने के लिए हमारे संगठन के विरुद्ध बिना किसी सबूत के आतंकवादी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी कहने से हमारे संगठन की छवि एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी करणी सैनिकों की छवि को ठेस पहुंची है एवं समाज में संगठन के खिलाफ एक गलत संदेश गया है। अतः आपसे निवेदन है कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष देवराज मल्होत्रा, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायोचित धाराओं के शिकायत दर्ज कर एफआईआर की जाए एवं इनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए और संगठन की मान्यता भी रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस प्रकार के संगठन कभी किसी के विरुद्ध अनुचित तरीके से शिकायत न दर्ज कर सके। धन्यवाद। महेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।